ताकतवर लोग मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप तो ये कहते थे कि मुझे आप इसको अंदर कर दो, इसको कैद कर दो, नहल कर दो, मुझे तुम रास्ता दे दो, मैं आपको 100 सवा 100 सीटें जीत के दिखाऊंगा। वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम तुम पे हाथ ना रखते तो तुम 20 सीटें भी नहीं जीत सकते। लेकिन 16 महीने की कारकर्दगी भी तो थी ना राणा साहब, उसको कैसे निग्लेक्ट किया जा सकता है? ना आते ना तो आपको नजर आ रही है तो उन्हें क्यों नहीं नजर आई? उनको ये कहा गया था कि छठो 16 महीने मट्टी पाओ तो रोटी खाओ, हम संभाल लेंगे, तुम आओ, तुम हम तो बस एक इमरान खान का नैरेटिव जो है उसको तबाह कर दो, ठीक है, बाकी खैर है। वो ना वो पीछे वो इमरान खान का नैरेटिव क्या तबाह करते हैं, उन्होंने अपनी सफों को तबाह करके रख दिया मुस्लिम। लेकिन अगर आज ये हुकूमत बना लेते हैं तो फिर तबाह कैसे हुए? अल्लाह ना करे वैसे कि पाकिस्तान पे इतना बुरा वक्त आए, लेकिन अगर आ भी गया तो फिर जिन्ना खादिया टेटो ना दे पीड़। मैं आपको जो एक फराज साहब की गजल के 3 शेर सुनाना चाहता हूँ, मैं ये इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि अल्लाह जिस पे मेहरबान हो ना उससे नहीं टकराना चाहिए। ठीक है, आपने उसको उस पे पता नहीं 3 केसों में उसको कोई अराउंड को 60-70 साल की सजा भी दे दी, वो 2-3 अरब रुपए का जुर्माना भी कर दिया, पता नहीं क्या क्या किया, उसके किरदार पे इतनी कीचड़ उछाल के किरदार पे नहीं उंगली उठी थी, ये बात करें ऐसे ना करें। आपको पता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान। अगर आप समझते हैं कि मैं आपके मेयार के मुताबिक हूँ तो आप मेरा मुझे हक दें, मैं आपके भरपूर मेहनत से आपके लिए मजीद प्रोग्राम लाऊंगा। ये इशार राणा साहब है, जब भूखे नंगे साफी मरते थे ये उस वक्त भी रावी रोड पे रहता था करीम पार्क में, तो ये अब भी वहीं पर ही है। तो मेरे साथ कुछ दिन इन्होंने दिन गुजारे। अच्छा जी, इन पे सख्तियाँ आती है, आरएम विद भट्टी का ऑफलाइन कर दिया गया, ऑफलाइन नया ही लफ्ज है, मैस कम्युनिकेशन और मैस मीडिया भी खिलाता है, और बड़े बड़े नाम बदल कभी इधर से ये कंजर खानों के नाम बदलते रहते हैं। लोहे लोहे भर लिया कुड़िए जे तू पानी भरना है, शाम पे ही जान मोहम्मद कर जाती ने डरना, बिन जान मोहम्मद कर जाती ने डरना। ही बड़ी मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम है, बहुत बड़ी। ये इमरान खान भी लोहे लोहे भर ले, अकल से काम ले, तो शहबाज शरीफ भी तो फजलुर्रहमान ने तो कर दिया। आपके लिए पॉलिटिकल तड़का लेकर आ रहे, लेकिन इस बगैर दल्ले से बात कर लें, भरपूर जो जो बदकरदार फीमेल पुलिस में थी पंजाब पुलिस में, इसकी इसने उसकी मौजें लगवा दी हैं। ये कंजर जो अथॉरिटी करेगी, जो खतरा हमें है, वो खतरा सबसे ज्यादा अपने नौजवानों के, जो इस मुल्क में बड़ी तेजी से सेक्स क्राइम बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा खतरा है माशरे में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने खुद देखा बरतानिया में, जब मैं शुरू में गया तो 14 के अंदर हर 14 शादियों में एक तलाक होती थी। उस वक्त नया नया हुआ शुरू हुआ था सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, ये एक नया कल्चर शुरू हुआ था, फाशी आम हो गई वहां, पहले ऐसे नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने माशरे के अंदर जिस तरह फिल्में उनकी बदलनी शुरू हुई, टीवी के ऊपर आना शुरू हुआ, वो चीज जो पहले नहीं आती थी उनके माशरे के अंदर, सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा शादी के ऊपर, खानदानी निजाम के ऊपर। ये थोड़ी सी लंबी तकरीर जब खान साहब पीएम थे तो उस वक्त थे, ये आईजी साहब कह रहे नहीं अन्नी पाओ जाके खुले खाओ तो नंगे ना हो। फाफन एक है, फाफन फेयर एंड फेयर इलेक्शन वलाना टमकाना एब्रीवेशन, वो लाल घोड़ी उन पर चढ़ गई, तो पंजाब तो वो तो सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट का, वो उसके ऊपर चढ़ गई, आपने जाली बना रहे हैं, आप ये इसको कर रहे हैं, शह दे रहे हैं, कोई इसमें नहीं हुई वगैरह वगैरह। ट्रेंड चल रहा था 45 परसों चल रहा था, कल अगे 17 जो नवाज शरीफ की है एक्चुअल सीटें मिली 17, बड़ी बड़ी मीन बन रहा था। आज मैं दही लैन गया तो दही डोल गया तो पर थोड़ा बच गया, वो 17 रुपये का बच गया, तो VML N17 इस तरह करके बड़ी बड़ी मजाइया उसमें मीन्स चल रही हैं। मरियम के होते हुए सराय की सूबा तो बढ़ गया ना, अब आप भूल जाए कि सराय की सूबा भी आएगा। पिछले 2 दिनों से ना भाई सीना बड़ा फखर से चौड़ा हो रहा है और सर फखर से उठा कर ना हम UAE में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चहलकदमियां कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी कि इनका नेशनल डे गुजरा है इन लोगों का,
और इस नेशनल डे पर जहां ये लोग दूसरी सेलिब्रेशन करते हैं वहां पर हमने देखा है कि जब हम रोड से गुजर रहे होते हैं तो सात से गाड़ियां गुजरती हैं इधर के लोकल जो शेख हजरात है उनकी, इनकी जो टैक्सी की कंपनी है टैक्सी कोई गुजरती है या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो लोग हैं उनकी कोई गाड़ी गुजरती है, तो उसके पीछे जो शयूख हजरात हैं जो शेख हजरात हैं उनकी तस्वीर लगी होती है, जैसे शेख मोहम्मद हो गया उसकी तस्वीर लगी है, तो साथ में एक और तस्वीर होती है और वो तस्वीर होती है इमरान खान की, शेख हमदान की तस्वीर लगी होती है और साथ में इमरान खान की तस्वीर लगी होती है। और जब ऐसी कोई गाड़ी पास से गुजरती है ना तो यकीन करें लज्जत और जज्बात के वो लम्हात मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना फख्र महसूस होता है। फिर ऐसे लगता है कि हम लोग भी कोई कौम है यार, हमारा भी कोई लीडर है जिसे दुनिया जानती है और दुनिया इमरान खान। ये मुझे भेजा था जब इनका दिन था ना उस वक्त, लेकिन मैं रुक गया को मसरूफियत, मेरे पास झंडा भी पड़ा था। अब क्योंकि आया, अब जो गए इसके पीछे लगी हुई है ना वो मायरा बीबी जो है जिनके भी रिसेंटली शादी हुई, वहाँ पे वो दो भाइयों की लगी हुई है। फिर मैंने वेरीफाई करवाया अपने सोर्सेज से तो उन्होंने कहा हाँ जी इमरान खान के अलावा जो उनके स्क्वाड में, जिस तरह यहाँ अपने ताजी को कर उन्होंने कोई नंबर लिए हुए, अपने हमजा का 6 नंबर लिया हुआ, इस तरह उनके भी मखसूस नंबर हैं और उस पर पता लगता है कि ये मेरा बीबी जा रही है वगैरह वगैरह। उनकी गाड़ियों के पीछे सलमान और कासम की वो पीटीआई के झंडा लेके भी लगी हुई हैं, मतलब कि इमरान खान की भी और ये भी लगी। मैं इनके बता दूं आवाज भाई आवाज आपको, आप भी चेक कर सकते हैं आपके दरवाजे पे नहीं, आपसे उछले पिछले दरवाजे की तरफ जो बड़ी सड़क है ना वहाँ से वो गुजरता है इनका स्क्वाड मेरा बीबी का, तो आप दे सकते हैं जाके देखने में अरज नहीं। बीबी को ना देखना गाड़ियों को देखना, कुछ नहीं कहते ये, कुछ नहीं कहते वो। ये मायरा का अबू जो इमरान खान का क्लास फेल हो रहा है, आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुकेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। यही 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पठान है ना तो उर्दू सही तरह ने, तो जज रिटायर हुए हैं जी, यही कुछ कह दिया सुमरो ने रात वसीम बदामी के प्रोग्राम में, लाड़काना से जो हारा फजल रहमान का लौंडा लुपाड़ा, उसने भी कहा कि मिलिटेंट लफज उस